इंशाल्लाह मैं इलेक्ट हुआ तो जो रवाबित हैं उनको मजीद इस्तवार करेंगे। पीपल्स पार्टी सूबे में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत है और इंशाल्लाह हुकूमत मजीद कायम होगी हमारी। जो शख्स भी ये कमांड संभालेगा वो आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। कराची वालों ने बिलावल साहब की उस बात पर लबैक का और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस इज्जत से नवाजा और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको लेट डाउन नहीं करेगी। अगर इंशाल्लाह जो मनसब मेरी पार्टी मुझे देने जा रही है और इंशाल्लाह मैं इलेक्ट हुआ तो जो रवाबित हैं उनको मजीद इस्तवार करेंगे। आपकी आवाज़ कराची की इंतज़ामिया में भी मौजूद होगी, सिंध की इंतज़ामिया में मौजूद होगी और इंशाल्लाह वफाक की इंतज़ामिया में भी मौजूद होगी। और मैं इस बात को इसलिए एम्फसाइज़ कर रहा हूँ इस बात को कि जब मेरे पार्टी के चेयरमैन ने 31 दिसंबर को ये ऐलान किया था कि इंशाल्लाह कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, तो उन्होंने एक बयानिया लोगों के सामने रखा और वो बयानिया ये था कि कराची कॉस्मोपॉलिटन शहर है, कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कैपिटल है, आपको एक ऐसी सियासी जमात की ज़रूरत है, ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जिसके रवाबित वफाकी हुकूमत से भी हों, जिसके रवाबित सूबाई हुकूमत से भी हों और जो कराची की इंतज़ामिया में भी मौजूद हो। पीपल्स पार्टी सूबे में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत है और इंशाल्लाह हुकूमत मजीद कायम होगी हमारी। वफाक में वज़ीर आज़म के हम इत्तेहादी हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स आप लोगों से ताल्लुक जिसका होता है उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। फॉरेन अग्रीमेंट्स कराने के लिए फॉरेन मिनिस्टर की ज़रूरत होती है, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों से रवाबित कायम करने के लिए फॉरेन मिनिस्टर की ज़रूरत होती है। फॉरेन मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। तो आपकी आवाज़ वफाक में भी मौजूद है पीपल्स पार्टी के ज़रिए, सूबे में मौजूद है और अब अल्हम्दुलिल्लाह 15 जून के बाद कराची शहर के अंदर भी वो आवाज़ कराची की इंतज़ामिया में आपके पास होगी। ताकि जो शख्स भी ये कमांड संभालेगा वो आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। मैं देखता हूँ लाहौर के बिजनेसमैन को। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वो जाते हैं अपने मिनिस्टर के पास, अपने लोगों के पास, कहते जी मेरा मसला हल करा के दो, साढ़े लाहौर का मसला है, साढ़े सियालकोट का मसला है। हमारे जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा यार मैं ढूंढ लूँ ज़रा। सच्ची बात है, हमारे जो वज़ीर भी इलेक्ट होके जाते हैं शहर से वो कहते हैं अच्छा हम चेक कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और मैं समझता हूँ कराची वालों ने इस बयानिए को एक्सेप्ट किया, जब बिलावल साहब ने कहा कि आपको वो सियासी जमात चाहिए जो इख्तियारात के साथ आए, वफाक के साथ भी, सूबे के साथ भी, कराची की इंतज़ामिया के साथ बैठ के कन्वर्ज करे, काम करे, तो बेहतरी होगी। और मैं समझता हूँ कराची वालों ने बिलावल साहब की उस बात पर लबैक का और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस इज्जत से नवाजा और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको लेट डाउन नहीं करेगी और इंशाल्लाह एक एक चीज़ में आपकी आवाज़ बनेगी।